वेलकम टू माई चैनल सेशन 40। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे जैसलमेर में कई दिनों पहले चर्चा में रहने वाला स्थान है, क्योंकि इसके दो रीजन हैं, वो मैं आपको अगली क्लिप में बताता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला रीजन ये है कि वहाँ पर बच्चन पांडे मूवी की शूटिंग हुई थी, और दूसरा रीजन है कि वहाँ पर माना जाता है कि भूतों का वास है, चुड़ैल वगैरह का वास है, और राजा महाराजा घूमने मनोरंजन के लिए करते थे, इसी वजह से बहुत ही चर्चित है वह जगह। तो मिलते हैं आगे एग्जिट लोकेशन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम पहुंच गए हैं और पहाड़ी पर वो रहा स्थान जहाँ पर हमें जाना है, उसका नाम है हाथीकोट। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, मिलते हैं वहीं पर। ऑलराइट, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एग्जिट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और चलो देखते हैं क्या मिलता है वहीं पर, फिर से नीचे से चलते हैं। ये देखो, ये मेरे फ्रेंड्स दोनों जा रहे हैं, ये भी साथ में ही आए हैं मेरे। जैसे कि आप देख रहे हैं, माना जाता है कि यहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं और चुड़ैलों का वास है, गांव में ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी मैंने, आज देखने के लिए आ गए। सुबह जैसे कि देख रहे हैं, अभी हम गड्ढे में नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर बारिश का पानी भी जमा हुआ हुआ है, देख रहे हैं। आधा राम दस चलते हैं ऊपर। सो जैसे कि आप देखिए, यहाँ तो पूरा रास्ता भी बंद है, कहाँ से जाएँ, गड्ढे से ऊपर से होकर चल जा सकते हैं। ये देखिए, रास्ता पूरा कवर हुआ। ऑल राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी दोपहर के एक बजे आए हैं। डर तो लग रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और ये देखो, बहुत ही पुराने टाइप के कमरे बने हुए हैं। चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ऐसी देखो, बहुत ही पुरानी लोकेशन है, ये देखो बहुत ही पुराने टूटे हुए कमरे भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, ये खंडर वगैरह है जो कि पहले के बने हुए थे, अभी टूट चुके हैं अंदर से। देखिए, ये पता नहीं किसी का औजार यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई आया होगा यहाँ पर। ऑल राइट, ये देखिए, मुझे तो शायद ही लगता है कि यहाँ पर कोई आया होगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ही टूटा हुआ और पुराना टाइप हो गया है, खंडर बन गया है ये। और एग्जिट लोकेशन पर तो अभी चलना बाकी है, और चलो चलते हैं वहाँ पर। ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, तो ला जाओ भैया, चलते हैं आगे। उनको भी देखा और वहाँ भी गए, बहुत ही पुराने टूटे हुए थे, जैसे कि हमारे गांव में बताया गया था हमें कि यहाँ पर बड़े लोग हैं, भूतों का वास है यहाँ पर, हमने आए और वहाँ पर देखा। माना जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजा पहले आते थे, यहाँ शेयर करने आते थे। अभी उन लोकेशन देख के एग्जिट लोकेशन पर हम आ गए हैं, जैसे कि ये भैया आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखो, ये लोकेशन पर हम आ गए हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है, क्या नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस लोकेशन पर, हाथीकोट इस लोकेशन पर बॉलीवुड की मूवी बच्चन पांडे मूवी का सीन शूट हुआ था, वो जो यहाँ पर एकदम एग्जिट यहीं पर
कार पर अक्षय कुमार बैठे हुए होते हैं और एक वो आंख निकालने वाला और गुंडे को आंख लगाने वाला सीन यहीं पर लिया गया था, इसी लोकेशन पर। ये अंदर से बहुत ही टूटा हुआ खंडर मुंडर टाइप का हुआ हुआ है, ये भी खंडर हो गया है, बहुत ही पुराने टाइप का है। जैसे कि बताया गया था यहाँ पर राजा महाराजा आया करते थे शेर करने, घूमने के लिए आया करते थे। और ये देखें बहुत ही प्यारा और सुंदर व्यू है। यहाँ पर तो हवा एकदम ठंडी आ रही है क्योंकि यह पहाड़ी पर बना हुआ है ना, इसलिए ये देखिए यहाँ पर खिड़कियाँ भी बनी हुई है। ये ऑल राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम से पूरा टूटा हुआ है, नीचे से पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए वाओ क्या व्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जन्नत यहाँ से फील हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यही प्यारा व्यू है, यहाँ से जन्नत महसूस हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ होगा यहाँ पर जो इतना टूटा हुआ है, नीचे से भी टूट चुका है। सो ऑल राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मुझे एग्जिट पता चला कि यहाँ पर राजा व महाराजा क्यों शेयर करने आए करते थे, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है एकदम सुंदर और प्यारा व्यू है। जैसे कि आप देख रहे हैं इतना ही सुंदर और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। भाई मुझे तो एकदम आनंद आ गया है, सच्ची बताऊँ तो मुझे वो बोलते हैं ना उस टाइप का कुछ फील भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भूत वगैरह आत्मा वगैरह रहती है या नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा एकदम सुंदर और प्यारा व्यू है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर आए और विजिट किया इस लोकेशन पर, जैसे कि आपने देखा पूरा एकदम से टूटा हुआ खंडर हुआ हुआ है। मुझे तो लगता है यहाँ पर पुराने टाइम में राजा व महाराजा आया करते थे, यहाँ पर शेयर करने व मनोरंजन के लिए आए करते होंगे। लगता है उसी के बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने इसकी देखभाल नहीं की, इसी वजह से यह पूरा टूट चुका है और खंडर हो चुका है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नई नई अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए ब्लॉग में और नए लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।